हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री इन सरफेस केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट देखा था, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें टिंडल इफेक्ट का जो लास्ट सेगमेंट था उसमें मेरे वॉयस की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई और उसका कुछ पार्ट छूटा रह गया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग टिंडल इफेक्ट का लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट एंड चार्ज ऑन पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन पे, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब कोई लाइट रे किसी सोर्स से आता है तो उसके पाथ में कोई ऐसा पार्टिकल पड़ जाए जिसकी साइज क्या हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की हो, तो उससे टकरा करके जो लाइट है वो स्कैटर्ड कर जाता है। यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फैराडे एंड स्टडीड इन डिटेल बाय टिंडल, हेंस टर्म्ड एज टिंडल इफेक्ट। तो इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि डिटेल में इसकी स्टडी टिंडल के द्वारा की गई थी, जबकि सबसे पहले फैराडे ने इसको ऑब्जर्व किया था। तो डिटेल स्टडी टिंडल के द्वारा की गई, इसीलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ गया। इसको देखने के लिए एक ऑपरेटर सेट करते हैं। अगर इसमें क्या ले लें, हम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ले लें। एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया एक वेसल में या ग्लास में। यहाँ पर एक लेंस है और इसके ठीक पीछे एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स लेंस से होते हुए जब कोलाइडल सॉल्यूशन में जाता है तो यहाँ कोलाइडल पार्टिकल से टकरा करके स्कैटरिंग हो जाती है, इसकी स्कैटर हो जाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर्ड लाइट है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई पड़ती है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये लेंस और ये पार्टिकल्स के बीच में जो एक कोण बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल कोण। इसका कॉमन एग्जांपल है, इट कैन बी ऑब्जर्व, इसको हम देख सकते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में जो आप पिक्चर देखने जाते हैं तो जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से जो लाइट रेस स्क्रीन पर आती है तो उसका पाथ आपको दिखाई पड़ता है। ये है, इट इज़ जस्ट लाइक टिंडल इफेक्ट, ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। ये होता क्यों है कि जो लाइट बीम प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर डाली जाती है तो उनके बीच में, उसके रास्ते में, उसके पाथ में क्या होता है, डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, जिससे वो टकरा कर क्या हो जाता है, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है। तो कंडीशंस क्या हैं स्टूडेंट, कंडीशंस फॉर द टिंडल इफेक्ट? तो दो कंडीशन है। पहला तो है, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स शुड नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो लाइट हम लोग यूज करते हैं उसका वेवलेंथ जितना हो, उससे जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का डायमीटर है बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तब आपका ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, जैसे आपके ट्रू सॉल्यूशन के कंडीशन में होता है। दूसरा है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो होता है डिस्पर्स फेस का और डिस्पर्सन मीडियम का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, ग्रेट डिफरेंस होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तभी टिंडल इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, नहीं तो टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। अप्लीकेशंस क्या है स्टूडेंट्स टिंडल इफेक्ट के? अप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, पहला तो है, वी कैन डिस्टिंग्विश कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट से हम कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है और ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। दूसरा एप्लीकेशन इसका यह है कि 1903 जिगमांडी यूज टिंडल इफेक्ट टू सेटअप एंड अपरेटस नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इन्होंने एक ऐसा सेटअप
बनाया टिंडल इफेक्ट का यूज करके, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम लोग केवल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अगर कोई इंडिविजुअल पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल है तो वो विजिबल नहीं होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल को देख नहीं सकते, लेकिन इंडिविजुअल जो कोलाइडल पार्टिकल है वो अपीयर होता है जस्ट लाइक ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार की तरह अपीयर होता है, और ये होता क्यों है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन व्हेन ऑब्जर्व थ्रू राइट एंगल टू द सोर्स ऑफ लाइट, ये सारा कब दिखाई पड़ेगा, जब हम राइट एंगल से देखेंगे, मीन जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके राइट एंगल से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी ये ब्राइट स्टार की तरह दिखाई पड़ता है जो कोलाइडल पार्टिकल है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये कोलाइडल पार्टिकल के साइज या उसके शेप को नहीं दिखाता है, केवल उसके पोजीशन को बताता है किस पोजीशन पर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, कलर। तो कलर जो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर है, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। पहला तो डिपेंड करेगा वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ पे, किस वेवलेंथ की लाइट यूज की जा रही है। लाइट की वेवलेंथ चेंज करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लगेगा। उसके साथ साथ नेचर एंड साइज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जो फाइनेस्ट गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन है, मींस फाइनेस्ट गोल्ड सॉल, सॉल मींस कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कैसा होता है आपका, रेड कलर का होता है। अगर हम फाइनेस्ट गोल्ड सॉल लें तो रेड कलर का दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम गोल्ड के पार्टिकल का साइज इंक्रीज करते हैं तो साइज इंक्रीज करने के साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो जाता है, रेड से पर्पल हो जाता है, और साइज इंक्रीज करेंगे तो ब्लू कलर का हो जाता है, और साइज इंक्रीज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, गोल्डन कलर का। ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। थर्ड है स्टूडेंट्स, मैनर इन विच ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट, मीन्स जो ऑब्जर्वर है वो रिफ्लेक्टेड लाइट को किस एंगल से रिसीव कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिल्क और वाटर के सोलूशन को लें, ये मिल्क और वाटर का सोलूशन है, इधर से ये इनकमिंग लाइट है, लाइट रेज है, तो इधर से लाइट आ रही है। अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट से देखें इस कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो ये कैसा दिखाई पड़ता है, रेड कलर का दिखाई पड़ता है ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ से। और अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की तरफ से इस सॉल्यूशन को देखें, थ्रू द बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, देन इट इज़ ब्लू इन कलर, तो ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि कलर है, और कलर किस पे डिपेंड करता है ये मैंने आपको बता दिया। ब्राउनियन मूवमेंट, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू जिगजैग मोशन करते रहते हैं और सभी डायरेक्शन में करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। एज द फर्स्ट इट वॉज ऑब्जर्व बाई अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, हेंस नेम्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ब्रिटिश बॉटनिस्ट, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्हीं के नाम पर, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही इस मूवमेंट का नाम रख दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है ब्राउनियन मूवमेंट, पहला तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मीन्स कोलाइडल पार्टिकल का नेचर कैसा है उस पे डिपेंड करता है। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट है क्या,
सपोज करिए कि ये एक पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे चलकर फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर ये इस तरफ चला गया, फिर यहाँ से मूव कर गया दूसरी तरफ। इस तरह से आप देखिए ये जिग जैग मीन्स सभी डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को चेंज करते हुए ऑल डायरेक्शन में जिग जैग मोशन कर रहा है। इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ये तो पहली बार डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, इट आल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है मीन्स जिगजैग मोशन, सब ये पार्टिकल है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस तरह से सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल पर, दूसरा किस पे करता है, पार्टिकल के साइज और सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पर। मींस स्मॉलर द साइज एंड विस्कोसिटी इज आल्सो स्मॉल देन फास्टर इज द मूवमेंट। पार्टिकल की साइज जितनी छोटी होगी मूवमेंट कितना उतना ही ज़्यादा तेज होगा। विस्कोसिटी भी क्या है, विस्कोसिटी अगर कम होगी तो मोशन कैसा होगा, फास्ट होगा। मीन्स साइज और विस्कोसिटी अगर कम है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की तो उसमें जो ब्राउनियन मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा। कारण क्या है इसका, काज, व्हाट इज द काज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। स्टूडेंट इसके दो कारण हैं, पहला तो है ड्यू टू अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स स्पेस, और दूसरा क्या है, आल्सो पार्टिकल्स ऑफ मीन्स बम्बार्डमेंट ऑफ अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस ऑन द अदर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो ये दोनों क्या है, दीज बोथ काज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है, सपोज करिए हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है, और इस कोलाइडल सोल्यूशन में ये जो बिगर पार्टिकल्स हैं ये किसके पार्टिकल्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस, ये डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं जो बिगर पार्टिकल्स हैं। और स्टूडेंट्स इस डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के अलावा इसमें डिस्पर्सन मीडियम के भी पार्टिकल्स होंगे, डिस्पर्सन मीडियम के भी पार्टिकल्स होंगे जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो होता क्या है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये तो कंटिन्यूअस जिग जैग मोशन में है ही, इनका ये ब्राउनियन मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि क्या करेंगे जब मूव करेंगे कि एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराते हैं। उसके साथ साथ ये जो पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज के हैं इस पे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का भी बम्बार्डमेंट होता रहता है, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल भी मूव करते रहते हैं, दे आर आल्सो फाउंड इन मोशन, तो वो भी मोशन में पाए जाते हैं। तो किसी एक सिंगल पार्टिकल अगर हम डिस्पर्स फेज का लें तो इस पे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का भी बम्बार्डमेंट होता है, उसके साथ साथ दूसरे जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के उनका भी बम्बार्डमेंट होता है। इसको आप यहाँ क्लियर समझ पाएंगे, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक क्या है, दिस इज द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स विच आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वन कोलाइडल पार्टिकल कम इन कॉन्टैक्ट विथ अदर पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सिंगल पार्टिकल है डिस्पर्स फेज का इस पे जो दूसरे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी बम्बार्डमेंट करते हैं, इससे आके टकराते हैं, और दूसरा जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है वो भी आकर के इससे टकराएगा। इस तरह से इसका मोशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से ये टकराएंगे सॉल्यूशन के डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, उसी डायरेक्शन में ये इसका मूवमेंट हो जाएगा। आगे चल करके ये फिर किसी दूसरे सॉल्यूशन और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से टकराएगा तो इसका मोशन चेंज हो जाएगा, स्पीड और मोशन दोनों चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट दिस इज द काज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। नेक्स्ट है स्टूडेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है,
इट प्रिवेंट्स द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेक द कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबल। ये क्या करता है, अगर सपोज करिए हमारे पास ये इसमें कोलाइडल सोल्यूशन है, अब ये कोलाइडल सोल्यूशन नीचे आकर के सेटल होना चाहता है, लेकिन तब तक ये सपोज करिए यहाँ ये सेट होना चाहता है, तब तक ये दूसरा पार्टिकल आया, इसको इस पर बम्बार्डमेंट हो गया, ये मूव कर जाएगा दूसरी तरफ। कि क्या करता है, इट मेक्स तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, इट प्रिवेंट्स द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेक द कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबल। ये क्या करता है, कोलाइडल पार्टिकल्स को नीचे सेटल डाउन होने से रोकता है, जिससे कोलाइडल सोल्यूशन क्या बन जाता है, आपका स्टेबल बन जाता है। सपोज करिए हमारे पास एक ये कोलाइडल पार्टिकल है और ये नीचे जा करके यहाँ बैठना चाहता है, सेटल डाउन होना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये नीचे जाएगा कोई दूसरा कोलाइडल पार्टिकल आकर इससे टकरा जाएगा, इस पर बम्बार्डमेंट हो जाएगा, या सोल्यूशन के भी पार्टिकल्स हैं नीचे सोल्यूशन के पार्टिकल होंगे, वो इस पर बम्बार्डमेंट कर देंगे, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये फिर मोशन में आ जाएगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्या है, इट मेक्स द कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, मीन्स जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उस पर कोई ना कोई चार्ज पाया जाता है, आइदर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा या निगेटिव चार्ज पाया जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, तो इसके थ्री रीजन्स हैं। ड्यू टू, पहला तो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। जब हम मेटल का इलेक्ट्रो डिस्पर्सन करा के कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, उस समय जो सॉल पार्टिकल्स होते हैं, मींस कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे उन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। दूसरा रीजन है स्टूडेंट्स प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन्स फ्रॉम सोल्यूशन, और ये जो दूसरा रीजन है दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल रीजन ये दूसरा वाला रीजन है, जिसको हमको आपको डिटेल में पढ़ना है। और थर्ड रीजन है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो सबसे पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय मेटल सॉल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, स्पेशली हमको ये सेकेंड मेथड पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में आप जान लीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं इन बिटवीन टू मेटल इलेक्ट्रोड, दो मेटल का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और सेम मेटल का, जिस मेटल का हमको सोल्यूशन बनाना है कोलाइडल सोल्यूशन, उसी मेटल का दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और वहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कराते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने से आपको याद होगा जो मेटल है वो मेटल का वेपर बनता है, और वेपर फिर कंडेंस होकर के उसका कंडेंसेशन हो जाता है, इस तरह से मेटल का कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। तो जब हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो जब मेटल का वेपर बनता है उस समय इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उस कोलाइडल सोल्यूशन पर जा करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो मोस्टली जो मेटल के कोलाइड्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, उसका जो दूसरा रीजन है वो है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है और इसी को हमको विशेष रूप से समझना है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन टू आर मोर आयन्स आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्सन मीडियम, देन दैट आयन गेट्स एडजॉर्ब्ड बाई कोलाइडल पार्टिकल्स विच इज फाउंड कॉमन इन बोथ, मीन्स डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस। जिसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इसमें प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन में होता क्या है, अगर जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें ए वन या वन से ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें उस आयन का एडजॉर्प्शन हो जाता है बाय द डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स,
जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट, सॉल्ट मींस कोलाइडल सॉल्यूशन। सिल्वर आयोडाइड का हमको क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, पहला है AgNO3 सॉल्यूशन और KI सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन ले लें। AgNO3 में हम क्या करें, AgNO3 सॉल्यूशन ले लें और KI सॉल्यूशन ले, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ले लें। इसमें क्या करें, हम एक ग्लास ले लें या वेसल ले लें और इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में हम ले रहे हैं उसको ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और इसमें हम क्या ऐड करें, AgNO3 ऐड करें, सिल्वर नाइट्रेट। तो जैसे ही हम AgNO3 पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाएंगे तो हमारा AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा सिल्वर आयोडाइड का। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना सिल्वर आयोडाइड का, तो डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा आपका, ये DP हो गया और ये KI क्या है आपका, DM हो गया, डिस्पर्सन मीडियम। तो AgI और KI इन दोनों में देखिए आप कॉमन क्या हो रहा है, आयोडीन, आयोडीन आयन क्या है आपका, कॉमन है। इसलिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा सिल्वर आयोडाइड का उसके ऊपर आयोडाइड आयन एडजॉर्ब हो जाएगा, और आयोडाइड आयन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। इस तरह से जो सॉल बनेगा वो क्या बन जाएगा, निगेटिव सॉल। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए इसको, हम क्या करते हैं, एक वेसल में डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में क्या ले लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और इसी में एक दूसरा सॉल्यूशन AgNO3 का ऐड करेंगे। तो आप यहाँ देखिए एक्सेस अमाउंट में क्या है, ज़्यादा अमाउंट किसका है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का है, और हम इसमें बाहर से कौन सा सॉल्यूशन मिला रहे हैं, AgNO3। तो जैसे ही AgNO3 इसमें मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड और AgNO3 में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे और सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब ये सिल्वर आयोडाइड किसी न किसी चार्ज को इस पर एडजॉर्ब कर लेगा, और किसका एडजॉर्प्शन होगा, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जो कॉमन आयन होगा। आप देखिए यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, आयोडीन आयोडीन, ये दोनों कॉमन है, जैसे डिस्पर्स फेज और ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, तो इनमें आयोडीन कॉमन है। तो ये जो आपका कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है सिल्वर आयोडाइड का, इस पर किसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, आयोडीन माइनस का। तो इस तरह से हमारा जो चार्ज डेवलप होगा वो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका कैसा नेचर होगा, निगेटिवली चार्ज साल होगा, निगेटिव साल बना। सेम कंपोनेंट हम फिर से लेते हैं, इस बार क्या करते हैं, जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। इसके पहले वाले में क्या लिए थे, सिल्वर नाइट्रेट को डिस्पर्स फेज के फॉर्म में, डिस्पर्सन मीडियम हमने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब क्या ले रहे हैं, AgNO3 को डिस्पर्सन मीडियम ले रहे हैं और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने चेंज किया, मींस KI सॉल्यूशन में पहले AgNO3 ऐड कर रहे थे, अब AgNO3 में KI सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा किसका बनेगा, सेम कोलाइडल सॉल्यूशन मींस AgI का, सिल्वर आयोडाइड का ही सॉल्व बनेगा, लेकिन अब जो चार्ज डेवलप होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। फर्स्ट केस में, इन द फर्स्ट केस निगेटिव सॉल्व बना था, अब यहाँ देखिए AgNO3 क्या है आपका, डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्स फेज क्या है, AgI, इन दोनों में कॉमन क्या है, इस बार सिल्वर कॉमन हो गया, और सिल्वर पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कॉमन क्या हो गया आपका, सिल्वर हो गया, और सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल पार्टिकल है किसको एडजॉर्ब करेगा, Ag प्लस को एडजॉर्ब करेगा, जिससे जो सॉल बनेगा वो उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज सॉल या पॉजिटिव सॉल बनेगा। इसको आप इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और AgNO3, इन दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो बनेगा क्या, AgI का, जो सॉल बनेगा किसका बनेगा, AgI। इसके साथ साथ KNO3 का फॉर्मेशन होगा,
के प्लस और आई प्लस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर के आई को हमने सोल्यूशन के लिए एक्सेस में लिया है, अगर पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस में लेंगे तो ये पोटेशियम आयोडाइड डिसोसिएट होकर के पोटेशियम आर पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन देगा। इन दोनों में जो कॉमन होगा मीन्स डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम में जो कॉमन होगा आयन उसका एडजॉर्प्शन हो गया, तो आयोडीन आयोडीन ये कॉमन है और एक्सेस में आयोडीन है इसलिए इसका एडजॉर्प्शन होगा और निगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक्सेस में इसको लिमिटेड ले लें पोटेशियम आयोडाइड को और इसको एक्सेस में ले लें तब क्या होगा स्टूडेंट, फिर एजीआई का ही कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, एजीआई का ही कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा प्लस KNO3 बनेगा ही KNO3 प्लस। अब एक्सेस में AgNO3 है ना, तो यहाँ बन जाएगा Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस। अब इन दोनों में देखिए आप इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, Ag कॉमन है, इसलिए जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है Fe2O3 डॉट XS2O मींस हमको कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का कोलाइडल पार्टिकल बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड ये है कि हॉट वाटर ले लें, एक्सेस हॉट वाटर, उसमें ऐड कर दें FeCl3 फेरिक क्लोराइड का, तो हमारा एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, Fe3+ का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, ये कोलाइडल पार्टिकल उस पर किसका एडजॉर्प्शन हो रहा है Fe3+ का, इसलिए जो कोलाइडल साल बनेगा वो कैसा होगा, कोलाइडल सोल्यूशन वो कैसा होगा पॉजिटिवली चार्ज। और इसी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का कोलाइडल सोल्यूशन हम दूसरे मेथड से बना सकते हैं, इन प्लेस ऑफ वाटर जहाँ हमने हॉट वाटर लिया था डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में, वहाँ हम क्या ले लें NaOH ले लें और NaOH में हम क्या ऐड करें FeCl3, यहाँ भी FeCl3 ऐड किया था, यहाँ भी FeCl3 ऐड करें, तो हमारा जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3.XS2O। लेकिन अब इसमें क्या होगा, OH- आयन का एडजॉर्प्शन होने लगेगा, तो निगेटिव चार्ज का एडजॉर्प्शन हुआ इसलिए निगेटिवली चार्ज साल बन गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट जो थर्ड रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आर हेलमोल्ट्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इसके पहले मैंने आपको ये रिएक्शन बताया था, पोटेशियम आयोडाइड जब AgNO3 से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, AgI का कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा। डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लिया है तो ये एक्सेस में होगा तो सोल्यूशन में आपका K प्लस और I माइनस ये दोनों एक्सेस में हो जाएंगे, ये प्रेजेंट होंगे। तो होगा क्या, जैसे ही AgI सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इस पे प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा मीन्स कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होगा, तो AgI और I AgI में ये आई के आई एक्सेस अमाउंट में है डिस्पर्सन मीडियम में, तो डिस्पर्सन मीडियम का आयोडीन और सिल्वर आयोडाइड में दोनों आयोडीन कॉमन है तो आयोडीन का इस पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा, तो एक लेयर बन जाएगा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का। तो ये सिल्वर आयोडाइड और आयोडीन स्ट्रांगली एडजॉर्ब होंगे, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, इसीलिए ये जो पहला लेयर बना फर्स्ट लेयर उसको हम फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा है, या इसी को हम बोलते हैं स्टेशनरी लेयर। और स्टूडेंट्स जैसे ही इस पर एक निगेटिवली चार्ज लेयर बना और आपको पता है कि जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें के प्लस मीन्स पोटेशियम आयन भी एक्सेस में है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इससे एक ऊपर से एक दूसरी लेयर बन जाएगी जो किसकी बनेगी, पोटेशियम आयन की। लेकिन
आयोडीन आयन, आयोडाइड आयन और पोटेशियम आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन का जो सारा अट्रैक्शन है किसकी तरफ होगा, एजीआई की तरफ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और ये इसके इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो ये लेयर क्या करेगा, ये स्लाइड भी करेगा इस लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर ये सेकंड लेयर क्या करेगा, स्लाइड करेगा ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो सेकंड लेयर बना इसी को हम इसलिए मोबाइल लेयर बोलते हैं, ये मूव करता रहता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी वीक होता है, इसलिए यह मूव करता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम मोबाइल लेयर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पर दो लेयर बन गया, चार्ज के दो लेयर बन गए, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, तो ये डबल लेयर बन गया। इसी डबल लेयर को बोलते हैं हेलमोल्ट्ज डबल लेयर, इसी को क्या बोलते हैं हम हेलमोल्ट्ज डबल लेयर। तो फर्स्ट लेयर क्या है स्टूडेंट्स, निगेटिव, निगेटिवली चार्ज है, हैव सम पोटेंशियल। ये जो निगेटिव चार्ज है पहले लेयर पर इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, और सेकेंड लेयर का भी अपना कुछ पोटेंशियल होगा, मीन्स सेकेंड लेयर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसका भी अपना कुछ पोटेंशियल होगा, मीन्स दोनों लेयर का अपना अपना कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहीं से आता है एक टर्म जेटा पोटेंशियल। तो इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। यानी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी का हम क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइडल कोलाइड्स मेक्स द कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल। तो ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चार्ज होते हैं कोलाइडल पार्टिकल पर वो क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बनाते हैं। तो इसको आप इस तरह समझिए, सपोज करिए हमारे एक पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये दो कोलाइडल पार्टिकल हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों पर क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। ये हमारे पास एक वेसल है और इस वेसल में एक कोलाइडल सॉल्यूशन हमने लिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, कि दो पार्टिकल्स किसके हैं, डिस्पर्स फेज के, मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स है हैविंग सेम चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जब सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन कोलाइडल चार्ज पार्टिकल द कोलाइडल सॉल्यूशन रिमेन स्टेबल। अगर यही कोलाइडल चार्ज पर कोई कोलाइडल पार्टिकल पर कोई चार्ज ना हो तो रिपल्सन होगा नहीं, और नहीं रिपल्सन होगा तो इन दोनों का एग्रीगेशन हो जाएगा, एग्रीगेट करके जो स्टेबिलिटी है, जैसे ही एग्रीगेशन होगा मींस एक दूसरे से मिक्सअप होना शुरू कर देंगे और जो स्टेबिलिटी है कोलाइडल सॉल्यूशन की वो समाप्त हो जाएगी, मींस हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन फिर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा।